नागपुर शहर के कलमना पुलिस थाना अंतर्गत बिना रॉयल्टी के अवैध रूप से रेत ढुलाई कर रहे वाहन को पुलिस ने जब्त कर कार्रवाई की है। नागपुर शहर में कलमना थाना अंतर्गत ASI थाटे ने पेट्रोलिंग के दौरान तेज गति वाहन को जांच के लिए रोका और चालक से पूछताछ की तो उसके पास रॉयल्टी नहीं पाई गई। तत्पश्चात पुलिस ने 4 से 5 ब्रास रेत की अवैध ढुलाई कर रहे कंटेनर क्रमांक MH4980-2164 को जब्त, चालक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ जारी की। बता दें कि इन दिनों रेत तस्करों के हौसले बुलंद हैं। धड़ल्ले से रेत चोरी के प्रकरण सामने आ रहे हैं, जिन पर रोक लगाने हेतु शासन प्रशासन भी एक्शन मोड पर है और बड़ी सतर्कता से काम कर रहा है। उसी के तहत समय समय पर कार्रवाई की जा रही है। काल कलमना पुलिस स्टेशन हद्दीत CR मोबाइल आमची पेट्रोलिंग करत असताना ASI ताठे होते, त्यांनी एक भरधाव वेगाने जाणारा वाळूचा ट्रक थांबवला वगैरे, त्यातला जो चालक आहे चालकाला विचारला असता काही रॉयल्टी वगैरे दाखवतो, त्याच्याकडे रॉयल्टी वगैरे नव्हता। आरोपी मोहम्मद अफसर अब्दुल यांना आरोपी करण्यात आलेले आहे। त्याला कालपासून तो अटकेत आहे, आज PCR टीम गेलेली आहे, सखोल तपास करून पुरलांकी कोण आरोपी निष्पन्न करून कारवाई करण्यात आली। आणि ट्रक भरधाव वेगाने चालवता, त्यांनी काय कोणाला चिरडलं वगैरे असं काही नाही, आणि जे काही हे नव्हतं रॉयल्टी नसल्यामुळे गुन्हा दाखल करण्यात आला। मुद्देमाल म्हणजे एक कंटेनर आणि त्यात असलेली वाळू, 5-6 ब्रास वाळू आहे, तेव्हा मुद्देमाल। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ माहिन पठाण, BCN न्यूज नागपूर।